कर्ज के चलते किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आपने खूब सुनी और देखी होंगी, लेकिन कर्ज के बोझ में दबकर बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या ने हम सबको हैरान कर दिया है। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर के लिए कर्ज चुकाना इतना मुश्किल कैसे हो गया कि उन्हें आत्महत्या करना आसान लगा। आज हम आपको बताएंगे कि आत्महत्या करने से पहले नितिन देसाई किस तरह रोज मर मर कर जी रहे थे और कैसे उन्हें कर्ज देने वाली फाइनेंस कंपनी एडलवेस के अधिकारियों ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने रायगढ़ जिले के खालापुर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई है। FIR में आरोप लगाया गया है कि एडलवेस ग्रुप के अधिकारियों ने नितिन देसाई को लोन की वसूली करने के लिए बार बार मानसिक कष्ट पहुंचाया। नेहा देसाई ने शिकायत में कहा है कि मानसिक कष्ट के कारण ही उनके पति नितिन देसाई ने आत्महत्या की है। जी मीडिया के पास नितिन देसाई आत्महत्या केस में दर्ज इस FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि नितिन देसाई ने किन परिस्थितियों के चलते आत्महत्या की और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। इस FIR में एडलवेस ग्रुप के अधिकारियों समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहला नाम है एडलवेस के चेयरमैन रशेश शाह, दूसरा नाम है एडलवेस के अधिकारी सुमित शाह और तीसरा नाम है एडलवेस से जुड़े केरू मेहता, चौथा नाम है एडलवेस असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी AARC के अधिकारी RK बंसल और 5वां नाम है जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्याय अधिकरण के अधिकारी हैं। FIR के मुताबिक एडलवेस फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों के बार बार पैसे मांगने की वजह से नितिन देसाई ने आत्महत्या कर ली। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो इस सवाल का जवाब भी FIR में दिया गया है। ये FIR मराठी भाषा में लिखी गई है, लेकिन हमारी टीम ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। FIR में नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने बयान दिया है। साल 2016 में एडलवाइस ग्रुप के अधिकारी रशेश शाह ने खुद नितिन देसाई को प्रस्ताव दिया कि उनकी फाइनेंस कंपनी उनके स्टूडियो में निवेश करना चाहती है। इसके बाद नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी से वर्ष 2016 में 150 करोड़ और फिर साल 2018 में 35 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदले में ND स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई। FIR के मुताबिक अप्रैल 2019 में ECL फाइनेंस कंपनी ने नितिन देसाई पर 6 महीनों की अवधि के लिए लोन की किस्तों की प्री पेमेंट करने का दबाव डाला था, जबकि नितिन देसाई समय पर किस्तें चुका रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों के दबाव में आकर नितिन देसाई ने हीरा नंदानी पवी में अपना एक कार्यालय बेच दिया और फरवरी 2020 तक ब्याज सहित लोन की सभी किस्तें चुका दी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक मार्च 2020 में कोरोना महामारी की वजह से लगे प्रतिबंधों के कारण फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग बंद हो गई और नितिन देसाई का स्टूडियो भी बंद हो गया। कोरोना महामारी के दौर में बिजनेस में रुकावट के कारण ECL फाइनेंस कंपनी से लिए गए लोन की किस्तें चुकाने में देरी होने लगी। नेहा देसाई के बयान के मुताबिक नितिन देसाई ने महामारी संकट के बावजूद ECL फाइनेंस कंपनी को लोन चुकाने की पूरी इच्छा दिखाई, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी सुमित शाह और केरू मेहता हमेशा लोन की किस्त चुकाने का दबाव बनाते थे। FIR में नेहा देसाई ने बताया है कि नितिन देसाई ने ECL फाइनेंस कंपनी को वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी केरू मेहता और सुमित शाह ने अचानक नितिन देसाई को नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। FIR में नेहा देसाई ने बताया है कि कैसे ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर उनके पति को प्रताड़ित करने का खेल खेला। नेहा देसाई के मुताबिक नितिन देसाई लोन चुकाने के लिए अपने स्टूडियो में निवेश के लिए नए निवेशकों को ला रहे थे, लेकिन उन्हें ECL फाइनेंस कंपनी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। नितिन देसाई इस बात से मानसिक दबाव में थे कि ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी उनके स्टूडियो को हड़पना चाहते थे। आरोप है कि नितिन देसाई लोन रिस्ट्रक्शन और वन टाइम सेटलमेंट में से किसी एक के लिए तैयार थे, लेकिन ECL फाइनेंस कंपनी के अधिकारी ऐसा करने से बच रहे थे। ECL फाइनेंस कंपनी की इस नीति के कारण नितिन देसाई के बिजनेस प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे और नए प्रोजेक्ट में भी दिक्कत आ रही थी।
जिससे वो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं सब चक्रों में फंसकर नितिन देसाई पर लोन की कुल बकाया रकम बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गई थी। इन सब कारणों से नितिन देसाई काफी तनाव में रहते थे। इसी 25 जुलाई को ACL फाइनेंस कंपनी की अपील पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने नितिन देसाई की कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी। और इसके बाद एनडी स्टूडियो के सील हो जाने का डर नितिन देसाई को सता रहा था। और फिर 2 अगस्त को नितिन देसाई ने अपने स्टूडियो में आत्महत्या कर ली। सिर्फ नितिन देसाई का परिवार ही एडलवाइस कंपनी पर आरोप लगा रहा है, ऐसा नहीं है। खुद नितिन देसाई ने भी आत्महत्या करने से पहले वॉइस मैसेज में अपने आत्महत्या की वजह और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बयान छोड़ा है। पुलिस को नितिन देसाई के कुल 11 ऑडियो मैसेजेस मिले हैं, जिसमें से एक में उन्होंने कहा है राशेश शाह एक मूर्ख है और उसने छोटे और बड़े बिजनेसमैन के लिए कड़ी मेहनत से बनाए गए मेरे स्टूडियो को निगल लिया। मैंने उसे 100 बार फोन किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग NCLT के जरिए बहुत परेशान किया गया। मेरे पास 2-3 निवेशक निवेश करने के लिए तैयार थे लेकिन उसने सहयोग नहीं किया। मुझ पर दोगुनी कीमत का बोझ डालकर दबाव डाला गया। मुझ पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से दबाव डाला गया। नितिन देसाई ने एक और ऑडियो मैसेज में कहा था कि नितिन किस्मित शाह, केरू मेहता और आरके बंसल मेरे स्टूडियो को लूटने, मुझे बदनाम कर घेरने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, रुपए के लिए धमकी देकर दबाव डाला, मेरा सोने जैसा ऑफिस बिकवा दिया, साजिश कर दबाव डालकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इच्छा ना होते हुए भी मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। नितिन देसाई के ये आखिरी ऑडियो मैसेजेस अब इस केस में अहम सबूत बन चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि एडलवाइस कंपनी के अधिकारियों ने साजिश रचकर नितिन देसाई को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अब पुलिस FIR में आरोपी 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन एडलवाइस के मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि उसके अधिकारियों ने कुछ भी गलत नहीं किया। एडलवाइस ने जी मीडिया को ईमेल पर अपना जो जवाब भेजा है उसमें कंपनी ने दावा किया है कि एडलवाइस आर्क ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। कंपनी के मुताबिक नितिन देसाई से ना तो ब्याज दर बहुत अधिक ली गई और ना ही वसूली के लिए उन पर कोई दबाव डाला गया था। कंपनी ने कहा है कि जैसे वसूलने में पूरे नियम और कायदे का पालन किया गया है। अब एडलवाइस की तरफ से चाहे जो सफाई पेश की जाती रहे, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि उसके अधिकारियों की तरफ से मिल रही प्रताड़नाओं की वजह से नितिन देसाई को अपनी जान गंवानी पड़ गई।